भारत देश सदियों से ज्ञान का स्रोत रहा है। आदिकाल से ही शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल परंपरा रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाते थे। यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार श्री कृष्ण और श्री राम भी पढ़ने के लिए गुरुकुल आश्रम गए थे। और गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है, इस प्रकार के संसार को सीख दी। आज गुरुकुल का स्थान विद्यालय ने लिया है। विद्या ग्रहण करने के लिए विद्यालय एक ऐसा पड़ाव है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और गुजरना भी चाहिए, क्योंकि ये पड़ाव हमें हमारे भविष्य को संवारने में मदद करता है। विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, जिसमें विद्यार्थियों में सामाजिक सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन, सहानुभूति और सामाजिक चेतना जैसे गुणों का विकास किया जाता है। देश में दिन प्रतिदिन शिक्षा के स्तर को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल सरकार विद्यार्थियों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने और शिक्षा के स्तर को शिखर तक ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। विद्यालय का परिवेश विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक हो, इसके लिए विद्यालय भवन, शौचालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल सुविधा, लाइब्रेरी, आईटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम की आवश्यकता को पूरा करने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार विद्यालयों को स्तरोन्नत कर दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों को गांव में ही 10वीं व 12वीं तक की शिक्षा प्राप्ति की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यार्थियों में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ खेलकूद व कौशल विकास की ओर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलचान। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच स्थित इस विद्यालय की शुरुआत सन 1950 में प्राथमिक पाठशाला के रूप में ब्यास नदी के साथ लगते रुवाड़ में हुई। क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता व मांग के अनुसार सितंबर 2006 में इस विद्यालय को स्तरोन्नत कर उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 2012 में ब्यास नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण विद्यालय का भवन व खेल का मैदान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस विद्यालय को अस्थायी तौर पर कुलंग गांव में स्थानांतरित किया गया। पूर्व में विधायक रहे श्री गोविंद सिंह ठाकुर और तत्कालीन हिमाचल सरकार के प्रयासों से इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया गया और लगभग 4 करोड़ रुपए से भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। वर्तमान में इस विद्यालय में खेल मैदान, डंगे और 4 दीवारी हेतु 94,81,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और शीघ्र ही इस कार्य को भी पूर्ण किया जाएगा। ।2020 में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा इस भवन का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया। आज इस विद्यालय को स्तरोन्नत कर उच्च विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया है,
जिससे इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। ये है मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय हलान फर्स्ट। इस विद्यालय के पास पहले अपना कोई भवन नहीं था। यहाँ पर कक्षा स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध कमरों में चलाई जाती थी। ग्रामीणों ने यहाँ पर विद्यालय भवन निर्माण हेतु मांग रखी। स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के प्रयास व हिमाचल सरकार के सहयोग से लगभग 2,87,98,000 रुपए की लागत से इस विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से इस भवन का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया और 5 सितंबर 2021 को नए विद्यालय भवन में प्रवेश किया गया। इस विद्यालय में खेल मैदान आदि कार्यों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। इसका कार्य भी शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। इसके साथ ही हलान फर्स्ट में राजकीय प्राथमिक पाठशाला बड़े रगरा के भवन मुरम्मत कार्य के लिए 2,26,000 रुपए की राशि और राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुमारटी के भवन मुरम्मत कार्य के लिए 2,24,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। शीघ्र ही राजकीय उच्च विद्यालय को स्तरोन्नत कर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र के विद्यार्थी 12वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त कर सकें। ये है मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगतसुख। इस क्षेत्र में इस विद्यालय की स्थापना सन 1904 में प्राथमिक पाठशाला के रूप में हुई थी। इसके उपरांत सन 1965 में इसे माध्यमिक व सन 1975 में उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया। सन 2006 में पुनः स्थानीय लोगों की मांग पर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा देकर स्तरोन्नत किया गया। इस विद्यालय के नए भवन निर्माण हेतु स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के प्रयासों से 3,22,98,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस प्राप्त राशि से स्कूल के नए भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है और 14 नवम्बर 2019 को सभी कक्षाओं को नए भवन में स्थानांतरित किया गया।
इस विद्यालय के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए विद्यालय में खेल मैदान के लिए भी लगभग 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शीघ्र ही इस कार्य को भी पूर्ण किया जाएगा। ये है मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ लगता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ब्रांड। इस क्षेत्र में इस विद्यालय की स्थापना 1932 में प्राथमिक पाठशाला के रूप में हुई थी। इसके उपरांत सन 1970 में इसे माध्यमिक व सन 1984 में इस विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया। सन 2007 में पुनः इस विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा देकर स्तरोन्नत किया गया। पुराने भवन की जर्जर हालत को देखते हुए उसके स्थान पर इस विद्यालय के नए भवन का निर्माण हेतु स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के प्रयासों से 40 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस प्राप्त राशि से स्कूल के नए भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। विद्यालय के पुराने भवन के मुरम्मत कार्य हेतु भी 1,46,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। इस विद्यालय के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए विद्यालय में खेल मैदान और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भव्य मंच का भी निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। ये है मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में से एक जाना गांव। यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में 1956 में प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की गई थी। समय के साथ साथ इस विद्यालय को सन 1991 में माध्यमिक और 2011 में स्तरोन्नत कर उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया। अतिरिक्त विद्यालय भवन निर्माण के लिए विद्यालय के पास भूमि का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या थी। समाज सेविका श्रीमती कुंती देवी जी द्वारा 18 जुलाई 2012 को विद्यालय भवन के लिए भूमि दान की गई और आरएमएससी के अंतर्गत विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है।
इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को 12वीं तक की पढ़ाई गांव में ही उपलब्ध हो सके, इसके लिए 18 फरवरी 2022 को इस विद्यालय को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा दिया गया है। इस विद्यालय में कक्षा के कमरों की कमी को देखते हुए विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि पारित की है, जिसका कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। ये है मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में से एक जिंदौड़ गांव। यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में अप्रैल 1955 में प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की गई थी। समय के साथ साथ इस विद्यालय को सन 1981 में माध्यमिक और सितंबर 2012 में स्तरोन्नत कर उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया। गत वर्ष बर्फ व बरसात के चलते भूस्खलन होने के कारण इस विद्यालय के भवन पर चट्टान गिरने से विद्यालय का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए लगभग 1,30,00,000 रुपए की राशि पारित की है, जिसके अंतर्गत 7 कमरों के नए विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। जिंदौड़ बाड़ का बाड़ पंच हूँ। आज मंत्री गोविंद जी और उन्हीं की बदौलत ये हमारा जो स्कूल है उन्हीं की बदौलत बना। जैसे कि हमारा ये मिडिल स्कूल था, उसके बाद हाई स्कूल बना। हमारे बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था, अगर हाई स्कूल नहीं होता तो रायसन यहाँ से कम 8 किलोमीटर दूर है, भेखड़ी 7 किलोमीटर दूर है। यहां से बच्चों को बहुत तकलीफ होती थी और मंत्री जी ने हमारे को हाई स्कूल बना के भी दे दिया। अब हमें और विश्वास है उनके ऊपर कि +2 भी बना के देंगे। वो मंत्री जी ने हमारे लिए काफ़ी काम किया,
इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को 12वीं तक की पढ़ाई गांव में ही उपलब्ध हो, इसके लिए मार्च 2022 को इस विद्यालय को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सारी बेखली कुल्लू जिला के स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित विद्यालयों में से एक है। यह पाठशाला वर्ष 1942 में प्राथमिक पाठशाला के रूप में अस्तित्व में आई। वर्ष 1968 में माध्यमिक और वर्ष 1994 में स्तरोन्नत कर इस विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया। 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय कुल्लू जाना पड़ता था। सर्दी और बरसात के मौसम में यहाँ के विद्यार्थियों को विद्यालय आने जाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों की इस समस्या को देखते हुए विद्यालय को 2007 में स्तरोन्नत कर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया। विद्यालय में कक्षा के कमरों की कमी को देखते हुए स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने अतिरिक्त भवन में 7 कमरों के लिए लगभग 37,73,000 रुपए की राशि पारित की। अतिरिक्त विद्यालय भवन का निर्माण कार्य आज पूर्ण हो चुका है व कक्षा के कमरों को उपयोग में लाया जा रहा है। ये है मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाम तट पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काइस सेवबाग। इस पाठशाला की स्थापना सन 1952 में प्राथमिक पाठशाला के रूप में हुई थी। वर्ष 1967 में माध्यमिक और वर्ष 1988 में इस विद्यालय को स्तरोन्नत कर उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया। इस शिक्षण संस्थान को आवश्यकता अनुसार सन 2008 में स्तरोन्नत कर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की श्रेणी में शामिल किया गया। विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता को पूरा करने के लिए
स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने हिमाचल सरकार से 1,65,54,000 रुपए की राशि पारित की, जिससे अब विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतिरिक्त कमरों के निर्माण कार्य के लिए व विद्यार्थियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रांगण में मंच बनाने हेतु भी विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने बजट में प्रावधान कर भरपूर सहयोग दिया है। ये है मलाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवगढ़ पंचायत का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिरण। इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में प्राथमिक पाठशाला के रूप में हुई थी। वर्ष 1989 में माध्यमिक व 1995 में इस विद्यालय को स्तरोन्नत कर उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया। इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को 12वीं तक की पढ़ाई गांव में ही उपलब्ध हो, इसके लिए वर्ष 2021 में इस विद्यालय को पुनः स्तरोन्नत कर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया। विद्यालय का दर्जा बढ़ने के साथ ही कक्षा के कमरों की कमी की समस्या को स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के समक्ष रखा गया। इस शिक्षण संस्थान के उत्थान के लिए श्री गोविंद जी ने हिमाचल सरकार के सहयोग से नए भवन के निर्माण हेतु 88,92,000 रुपए की राशि को पारित किया, जिसमें 3 कक्षा के कमरों के साथ साथ पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब व आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एक एक कमरों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
इसके साथ साथ 1,80,000 रुपए की राशि से साथ लगते प्राथमिक पाठशाला के भवन का मरम्मत कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। ये है मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायसन। ये विद्यालय कुल्लू घाटी के आजादी से पूर्व चंद विद्यालयों में से एक है। इस विद्यालय को 1913 में एक प्राथमिक पाठशाला के रूप में स्थापित किया गया था। इसे सितंबर 1960 में माध्यमिक व जून 1973 में उच्च विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत किया गया। समय के साथ दिसंबर 1997 में इस विद्यालय को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया। विद्यालय में छात्राओं के लिए शौचालय की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने 21,53,000 रुपए की राशि पारित की है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। विद्यालय में बाउंड्री वॉल के लिए लगभग 8,00,000 रुपए की राशि दी गई है और आईटी लैब को 1,15,000 रुपए की राशि से अपग्रेड करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बास्केटबॉल कोर्ट और मॉर्निंग असेंबली ग्राउंड को लगभग 4,00,000 रुपए की राशि से पूर्ण किया जा चुका है। विद्यालय के मुख्य द्वार से पेवर स्टोन का कार्य भी लगभग 3,71,000 रुपए की राशि से प्रगति पर है। यह विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय 2021-22 में सूचीबद्ध होने के कारण विद्यालय को 44,00,000 रुपए की राशि उपलब्ध हुई है, जिससे विद्यालय में अभूतपूर्व विकास किए जा रहे हैं। विद्यालय के पुराने जीर्ण जीर्ण भवन की मरम्मत का कार्य भी प्रगति पर है।
ये है मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला कुल्लू में आजादी से पूर्व सबसे पुराने विद्यालयों में से एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कटराई। इस विद्यालय की स्थापना सन 1904 में हुई थी। विद्यालय के लिए भूमि स्थानीय निवासी श्री गद्दुमल उपाध्याय जी ने दान के रूप में दी। इस विद्यालय को सन 1919 में निम्न माध्यमिक पाठशाला का दर्जा प्राप्त हुआ और वर्ष 1921 में यह माध्यमिक पाठशाला बनी। वर्ष 1951 में इसे एंग्लो माध्यमिक पाठशाला का दर्जा प्राप्त हुआ और इस विद्यालय में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई शुरू हुई। 1955 में इस पाठशाला को उच्च पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत किया गया तथा 1970 में यह विद्यालय 8वीं व 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का केंद्र बना। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्ष 1986 में यह विद्यालय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत किया गया। वर्तमान समय में इस विद्यालय में 10वीं तक की कक्षाओं के लिए विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने लगभग 90 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई है, जिससे भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जल्द ही इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। इस विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भव्य सांस्कृतिक मंच का निर्माण किया गया है। साथ लगते प्राथमिक पाठशाला भवन के लिए भी श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने हिमाचल सरकार के सहयोग से 20 लाख रुपए की राशि पारित की है। जल्द ही इस विद्यालय का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। मराली विधानसभा क्षेत्र में अनेक स्कूलों में भवनों का निर्माण कार्य किया गया है और अनेक स्कूलों के भवन सुधार और निर्माण हेतु कार्य किए जा रहे हैं। विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और विद्यार्थियों को उच्च स्तर की गुणात्मक शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए हिमाचल सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम इन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।